मनेंद्रगढ़ के बॉयज स्कूल ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर और एसपी के नहीं पहुंचने पर विधायक रेणुका सिंह जमकर भड़की। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के मौके पर जम्मू कश्मीर में हैं, तो वहीं यहां आयोजित योग दिवस के कार्यक्रम में कलेक्टर डी राहुल वेंकट और एसपी चंद्रमोहन सिंह की गैर मौजूदगी योग का विरोध करने के बराबर है। दोनों अधिकारियों का नहीं आना अच्छी बात नहीं है। भरतपुर सोनहत से विधायक रेणुका सिंह ने कहा कि ऐसे कलेक्टर और एसपी को यहां रहने की जरूरत नहीं। आज आपने देखा कि ये तो शासन का कार्यक्रम था, माननीय प्रधानमंत्री जी आज खुद जम्मू कश्मीर में है और सारे देश के चाहे मुख्यमंत्री हो, सभी मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, राज्यपाल हो, सभी जगह पर योग जनता के साथ योग कर रहे हैं। जब जिला प्रशासन को जवाबदारी दी गई थी यहाँ पर कलेक्टर एसपी को होना बहुत जरूरी था। जरूरी नहीं कि कोई छत्तीसगढ़ सरकार का मंत्री आए तभी कलेक्टर एसपी उपस्थित हो। जब भी शासन की ओर से कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो चाहे वहाँ पर विधायक ही क्यों ना जाए, वहाँ कलेक्टर एसपी को उपस्थित रहना चाहिए था। ये बहुत खेद का विषय है और मैं इसको बहुत गंभीरता के साथ लेंगे। ऐसे अधिकारी को यहाँ मनेंद्रगढ़ में रहने की जरूरत नहीं है। इधर विधायक की नाराजगी पर सफाई देते हुए अपर कलेक्टर अनिल सिदार ने बताया कि कलेक्टर डी राहुल वेंकट की तबीयत खराब होने की वजह से वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। वहीं एसपी चंद्रमोहन सिंह ने कहा कि मैं केल्हारी में रेप और एक अन्य मामले की तफ्तीश के लिए देर रात 3 बजे तक वहीं था। साथ ही स्वास्थ्यगत कारणों के चलते भी मैं योग दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सका। हालांकि नाराज विधायक रेणुका सिंह ने कहा कि शासन के कार्यक्रम में जरूरी नहीं कि छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री रहेंगे तभी जिला प्रशासन के अधिकारी आएं। उनका ऐसे मौकों पर मौजूद रहना जरूरी है। बता दें कि 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसके लिए देश दुनिया में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनपीजी न्यूज़।